सो भाई यहाँ पे ना न्यू क्लच प्लेट आ चुकी हैं, अभी इनको ऑयल वगैरह करके। सो टाइम हो चुका है 7 का और अभी अपनी बाइक ना पूरी रेडी नहीं हुई है भाई। ये जो भाई छोटे छोटे बच्चे मिल चुके हैं स्कूल के, क्या नाम है आप सबका? हाँ आपका 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 नहीं पता? चलो सही है, ध्यान से जाना, ठीक है। इमरान अहमद व्लॉग, इमरान अहमद व्लॉग, हाँ ध्यान से जाना। सो भाई लोग अभी अपनी बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली, बहुत ही भाई सही हो गया काम। अब ये जा सकती है भाई काफ़ी दूर तक, तो अपने कुछ चीज़ें रह चुकी हैं भाई वो। तो अभी मैं निकल चुका हूँ बाइक पे। भाई मौसम सुबह का ख़राब था, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका है, तो अभी इसकी सर्विस करवानी है। पहले भाई लोग काफ़ी ज़्यादा ना इसकी दिक्कत आ चुकी थी, हाँ इसके क्लच प्लेटें उड़ गई हैं। एंड हमारी लद्दाख प्लान की जो मैं बात कर रहा था, वो हमने काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट बीच बीच में ना दिक्कतें आ गई, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आगे होती गई। सो अभी हम कल निकलने वाले हैं भाई राइड पे, तो हमने सोचा ना बाइक की सर्विस वगैरह एकदम हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो एक ना कल सीन हो गया था मेरे साथ छोटा सा, मेरा जो फ़ोन था ना भाई, इसमें ना रिस्टोर हो गया भाई पूरा, और इसमें ना कुछ बचा नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बचे हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें काफ़ी इसमें से उड़ गई हैं। मेरा डाटा था पर्सनल पड़ा हुआ, वो भी निकल गया भाई। ये जो भाई छोटे छोटे बच्चे मिल चुके हैं स्कूल के, क्या नाम है आप सबका? हाँ आपका 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 नहीं पता? चलो सही है, ध्यान से जाना, ठीक है। इमरान अहमद व्लॉग, इमरान अहमद व्लॉग, हाँ ध्यान से जाना, ठीक है। साइड हो जाओ, रोड से साइड हो जाओ, रोड से साइड हो जाओ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एसके ब्रिज पे, एंड साहिल अभी तक आया नहीं है, मैं इसको फ़ोन करना पड़ेगा एक बार, तो आगे चल के ना फ़ोन वगैरह करते हैं उसको, क्योंकि लग जाना चाहिए मिस्त्री तो यहाँ। क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया मिस्त्री? बनता कोई नहीं है, क्योंकि हमारा काम है जल्दी से जल्दी हो जाएगा, लेट्स सी क्या रहता है भाई। सही अपना भाई अभी इसको ना लगा रहा है, बाकी कोई बाइक नहीं थी। हाँ हेलो साहिल, कहाँ पे है? हाँ मैं बजाज शोरूम में, जल्दी करा जा, मैं इधर ही हूँ, लगा रहा हूँ गाड़ी तब तक। ओके तो ये भाई अपना बहुत ही पहले बार भी ना हमने काम करके दिया था जो दूसरी बाइक थी, सो अभी ना इसकी क्लच प्लेट चेंज करेंगे, पीछे वाले शू पैड, मतलब ऑल सर्विस करवानी है भाई, तो ये करवा लेते हैं, चढ़ाते हैं गाड़ी को ऊपर एंड देन आपको दिखाते हैं। सो भाई लोग अभी अपनी गाड़ी चढ़ चुकी है भाई स्टैंड पे, काफ़ी बुरी कंडीशन थी भाई इसकी ना, ये चीज़ें भी टूट गई हैं, ये देखो काफ़ी चीज़ें इसकी टूटी हुई है, आराम से वो भी ठीक करवा लेंगे। अभी किसी तरह से हमें लेह लद्दाख राइड कम्प्लीट करनी है, क्योंकि सर्दी बहुत हो चुकी है भाई, तो ये देखो भाई ये भी निकल गया, इसको टाइट करवा लेंगे, लेकिन वापस आकर ना ये न्यू डलवा लेंगे, ठीक है। तो बाकी इसका सारी चीज़ें एकदम चेक करवाते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं डलनी है ना। सो भाई लोग यहाँ पे ना अपनी गाड़ी का काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे सर क्या बोलते हैं यार इसको, प्लग वगैरह निकाल रहा है भाई अपना, एक ये इसकी बोर्ड ज़्यादा टाइट हो चुकी है, और अंदर साहिल भी आ चुका है एंड साहिल का फ्रेंड भी। सो ये देखो ये इन्होंने सामान लेके रख लिया अपने लिए भाई, चेक दिस आउट, ये भाई चार्जिंग केबल, ठीक है, दो माइक, एक मेरी एक साहिल की, एंड एक ये चार्जर का डब्बा भाई, ये सारी चीज़ें ले लिए हैं, एंड बस कल का वेट है भाई, कल निकलेंगे। सो भाई यहाँ पे ना ऑयल वगैरह निकाल दिया, एंड ये वाला फ़िल्टर डाल दिया, वो भाई ना कुछ इसको सील कर रहा है पूरा पैक मतलब, तो उसके बाद इसका पीछे वाला ये चक्का खुल जाएगा, ठीक है, जिससे ना मतलब डिस्क वो शू पैड वगैरह डलेंगे, आगे डिस्क डलेगी, डिस्क में जो भी एयर आप जो भी डलता है इसमें वो डलेगा, एंड उसके बाद इसको खोल के इसकी क्लच प्लेट्स चेंज होंगी, ठीक है, पूरा इसको ठीक ठाक करके ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना दे रास्ते में। अभी हमने एक स्टोरी देखी थी ओमिंगला में ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है भाई, होपफुली के सब ठीक रहना चाहिए, हम लोगों का प्यार चाहिए बस, सपोर्ट चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड जल्दी जल्दी ये करवाते हैं एंड देन फिर निकलते हैं भाई घर के लिए। सो भाई लोग अभी आए, ये इंजन का ये वाला पार्ट खुल रहा है, एंड उसके अंदर ना भाई फिर डालना भाई, ये देखो ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है भाई, 3 साल हो चुके हैं मेरी बाइक को, 3 साल के बाद ना ये फर्स्ट टाइम इसकी मैं क्लच प्लेट चेंज करवा रहा हूँ। हाँ पिछले जब लास्ट टाइम मैं लद्दाख गया हुआ था, तब ना थोड़ी सी दिक्कत थी, बट मतलब इतना परेशानी नहीं थी कि इसकी क्लच प्लेट वगैरह डालनी पड़े, एंड इस बार ना ये खोल देंगे, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। सो भाई लोग अभी ये वाला पार्ट खुल चुका है, ओ माय गॉड क्या कर रहा भाई।
भाई साहब इंजन खुल गया भाई गाड़ी का। ये देखो भाई अब इसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए, ऑलमोस्ट ठीक है भाई। ये किक का है, किक भी निकाल दिया है, ये वाला इसका पॉट भी खुल चुका है, अंदर से अभी ठीक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी क्लच प्लेटें खुल चुकी हैं भाई गाड़ी की, इसको निकाल के इसकी जगह नए वाले इंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर ना इसकी पिकअप बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये बहुत दिक्कत आ रही थी। तो बाकी जितने भी भाई मेरे पूछते हैं NS125 के बारे में, तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, व्लॉगिंग वगैरह के लिए आप मत ही लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो, काम काज के लिए, जॉब वगैरह के लिए ना, फिर सबसे बेस्ट बाइक है। व्लॉगिंग के लिए मत लेना भाई, क्योंकि इसमें व्लॉगिंग में बहुत दिक्कत आती है, इसकी पावर बहुत कम है, जिस वजह से ना आपको व्लॉगिंग में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। सो भाई क्लच प्लेट निकल चुके हैं और ये देखो भाई पूरा साफ़ है अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। जल गई है भाई, ये जल गई है देखो, ओह माय गॉड, ये हालत करके रखी हुई है मैंने क्लच प्लेट की, क्योंकि ये इसमें ना मैं कम खर्चा आएगा। ये मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कितने की पड़ेंगी। हाँ भाई ख़त्म थी यार। सो भाई लोग यहाँ पे टैंक वगैरह निकाल दिया है, चेक दिस आउट, एंड यहाँ पे रखा टैंक, ये वाला फिल्टर की हालत देखो भाई ख़त्म है था, ये भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्लच प्लेट डलेंगी, ठीक है। ये अपना भाई है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करके दिया भाई इसने, पिछली बार भी किया था, अब इसी बार भी ये लगे हुए हैं। सो ये जल्दी से जल्दी हो जाए एंड देन निकलें भाई, टाइम काफ़ी हो चुका है। सो भाई यहाँ पे ना न्यू क्लच प्लेट आ चुकी हैं, अभी इनको ऑयल वगैरह करके एंड देन उसमें लगेगी भाई, काफ़ी टाइम लग रहा है मेरे को जल्दी जाना था। और ये क्लच प्लेट का कवर है, इसका मैं आपको प्राइस भी बता दूँगा, ठीक है, ताकि आपको ना कोई दिक्कत वगैरह ना आए। बोलो भाई इसका प्राइस बता देना क्या था, 1100 कुछ की भाई इसकी क्लच प्लेट है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट्स कर लेना। काफ़ी बंदे ना मेरे को NS के रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, जो ना मैं आपको रिप्लाई में नहीं बता सकता भाई, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगी आपको। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको ना साथ साथ में बताता रहता हूँ। ये इसका बॉक्स है भाई, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस कहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस इसको 1146 रुपये, और अभी मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो उसके बाद देखते हैं भाई जो जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करवा के ना भाई, तो फिर ऑलमोस्ट ये करूँगा ताकि मेरे रिश्ते में दिक्कत ना आए बहुत ज़्यादा। अभी ये इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, इसमें थी ये, अभी ये बबलू भाई ना इसमें डाल रहे हैं जो भी इसका सेटिंग वगैरह करनी है। तो अपना ये भाई लगा हुआ है इसमें, ये कुछ सफाई वगैरह, भाई नाम क्या है, नाम राहुल भाई अपने लगे हुए हैं भाई। तो ये इसको क्लियर वगैरह कर देते हैं, अंदर से अब ऑलमोस्ट ठीक ही है भाई, कुछ दिक्कत नहीं आई, सब सही है ना, अभी कुछ दिक्कत नहीं आई। तो ये न्यू क्लच प्लेट है, मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई साहब ये ठीक है। एंड अगर मैं इसकी पुरानी वाली बताऊँ ना भाई, पुरानी वाली की ये सीन था, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है यार, बट ये घिसके ऐसी हुई है आई डोंट नो, लेकिन ठीक है भाई क्योंकि ये घिसकी थी ना तो बहुत। सो भाई लोग अभी ना क्लच प्लेट डलने वाली हैं, अभी अपना भाई बबलू भाई डाल रहे हैं, यहाँ से क्लीन वगैरह हो गया सारा, यहाँ पे पूरा साफ़ हो चुका है, और यहाँ पे ना ये कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में। चेक दिस आउट, आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है भाई, ये जल्दी होते हैं क्योंकि हमें लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा सा वॉश करेंगे, यहाँ से काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो क्लच वायर जो है नहीं डालनी है क्योंकि ये बहुत ख़राब हो चुकी है। सो एक नाम एक्स्ट्रा साथ में ले लेंगे, होपफुली ज़रूरत ना ही पड़े, बट अगर पड़ी तो हम चेक कर मतलब खुद ही हम ना कहीं पे इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे। सो भाई यहाँ पे ना चढ़ चुका है भाई, लॉक कर रहे हैं भाई अभी, तो अभी कुछ बच रहा है वो भाई इसके शू है, क्या हाल है मेरे भाई, ठीक हो, बढ़िया ना। तो भाई किसी को अगर बजाज की बाइक का फाइनेंस करवाना तो इस भाई से कांटेक्ट करो, बजाज शोरूम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई। तो सो भाई लोग अभी ना गाड़ी का हेड खोला हुआ था, उसमें ना कुछ लीकिंग वगैरह हो रही थी तो उसको बंद कर दिया। अभी ये क्लच प्लेट डालनी है भाई, ये निकाल दिए पहले, ये क्लच तार डालनी है, जो वायर है ना वो पहले वाली निकाल दिए, अब दूसरी नई वाली डालनी है। तो बाकी सो भाई अभी टायर निकल चुका है एंड टाइम जो चुका है भाई 6:25 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। क्लच प्लेट भी डल गई, ठीक है, इसकी वायर भी डल गई है,
टैंक लगाना है और यहाँ पे इसके शू चेक करने भाई क्या हिसाब है। ठीक है भाई खराब हो गया भाई पूरे, एक दिखा दे मेरे को बस। नहीं भाई ये तो चेंज होंगे, स्लिप कर रहे हैं यार तो दिक्कत आएगी रास्ते से, इसलिए ये चेंज कर देंगे। और सो भाई ये शीटें निकाल रहे हैं क्योंकि इसने पिछली बार ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी, इस बार इसको निकाल के जाएंगे ताकि हवा वगैरह अच्छे से क्रॉस हो। टायर अभी बहुत है। ओह माय गॉड ये देखो भाई, ये मैंने मिस्त्री इस पर लगा के ना बंद कर दो इसको ऐसे, ये बाद में फिर कम आएगी। देखो भाई रिम की हालत ये कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और यहाँ पर देखो भाई इसकी क्या कंडीशन करके रखी हुई है, अंदर से वॉश वगैरह करानी है कल, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, रात पड़ जाएगी मेरे घर पहुंचने पहुँचते। सो ये वाली सारी चीज़ें जो जो मेन हैं वो करवा लेते हैं एंड कल का कल ही देखेंगे भाई क्या रहता है क्या नहीं। अब इसमें ना हवा अच्छी क्रॉस होगी भाई, इसको कर ले यार देखो। ठीक है सो टाइम हो चुका है 7 का और अभी अपनी बाइक ना पूरी रेडी नहीं हुई है भाई, डिस्क रह रही है, कुछ काम बचा हुआ उसका, बाकी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अंधेरा पड़ चुका है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, घर में भी बहुत ज़्यादा काम थे वो भी करने थे मेरे को, बट सभी चले गए। एक अपना बबलू भाई यहाँ पे है और एक अपना ये भाई है, एक बंदा हो रहा भाई वो अभी तक रुके हुए हैं क्योंकि मुझे ये बाइक रेडी करनी थी, तो अभी ये हो गया वॉशिंग वगैरह का, सुबह ही देख लेंगे भाई। शीट्स निकाल के मैंने ये रख दी, मैं थक चुका हूँ भाई, मैंने कुछ खाया भी नहीं दिन से। सो अभी हाँ वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा था, वो मैंने मिनी ब्लॉग तो अपलोड कर दिया भाई, इसकी बैटरी डाउन होने वाली है तो ये करते हैं भाई एंड निकलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं भाई। सो फाइनली भाई लोग अभी अपनी बाइक हो चुकी है पूरी रेडी और मिस्त्री ना अभी इसको सिर्फ टेस्ट करेगा भाई, बबलू भाई और एक अपना ये राकेश भाई, क्या नाम था भाई, राहुल भाई, और एक बंदा और था भाई जो भी बैठा है, एक तो दफ्तर में बैठे हुए हैं। सो ये बंदे अभी तक रुके हुए थे, आई डोंट नो ये कब बंद करते हैं, बट फाइनली अपनी बाइक जो है रेडी हो चुकी है। सो अभी कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे एंड देन उसके बाद हम निकलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 7:30 होने वाले होंगे भाई, 7:10 हो चुके हैं, तो अभी वो क्या करते हैं भाई, बिल वगैरह बनाते हैं क्या हुआ कितना फटेगा दिखते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे भाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोग, और आप पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे सारा स्टॉक अंदर आ चुका है एंड अभी हम निकलेंगे भाई। सो भाई लोग अभी अपनी बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली, बहुत ही भाई सही हो गया काम, अब ये जा सकती है भाई काफ़ी दूर तक। तो अपने कुछ चीज़ें रह चुकी हैं भाई वो ले लेते हैं, ठीक है ये वाली एक वायर ले लेते हैं एंड ये वाली चीज़ें जो ना हमें साथ लेके जानी है। थैंक यू भाई, हाँ जी भाई आ जा एक मिनट आ गए। तो ये चीज़ें ना साथ में लेके जाएंगे क्योंकि ये फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी हमें। ओके भाई सब सेट हो गया, अब भाई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना भाई लोग। टाइम बहुत हो चुका है और भाई ने ना अंदर अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई थी भाई, वो भी पी ली हमने, अब टाइम बहुत हो चुका है ना तो इस वजह से हमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, घर से भी बेइज्जती पड़ने वाली है भाई मम्मा से, इतना लेट हो चुका हूँ भाई। अब इसमें पेट्रोल डलवाना है, मैं सोचता हूँ ना आगे वाले पेट्रोल से डलवाते हैं, अब मार्केट जाएंगे ना थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट बाइक का एक नंबर काम हो चुका है भाई, अब भाग रही है सही, क्योंकि पहले ना इसकी बहुत कंडीशन ख़राब थी एंड ओह माय गॉड अब ठीक है यार अब एकदम है। सो होपफुली ना आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भाई लोग, इस बार हम अपना प्यार दिखा दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस।